चंपावत में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस लापरवाही को देखते हुए अपर निदेशक लीलाधर व्यास चंपावत पहुंचे। दरअसल बीते दिन चंपावत में नाले में कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक की पुस्तकें मिली हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। इसी सिलसिले में आज अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल ने चंपावत का दौरा किया और मामले की जांच की बात कही। शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो कि संपूर्ण प्रकरण की जांच करेगी कि वो किताबें नाले तक कैसे गिरी हैं और किस स्कूल को वो आवंटित हुई थी किताबें, वो अपना सारा रिकॉर्ड मिलान करेंगे और जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की। जो किताबें मिली है के संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत ने जांच समिति का गठन कर लिया है और जैसे ही जांच समिति की रिपोर्ट हमें मिल जाती है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये कारण लगता है कि गाड़ी से वो किताबें गिर गई, तो पहला तो नैतिक दायित्व तो उनका भी था, जिनको वो किताबें मिली तो विभाग को सूचित करते। ये कहना कि विभाग के किसी कर्मचारी ने वो किताबें नाले में फेंकी, गदेरे में फेंकती, मुझे तो ये बिल्कुल असत्य समझ जाता। बिल्कुल अगर किसी कर्मचारी की अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई।